स्वागत है। रघुवीर यादव का तलाक का मामला काफी बिगड़ गया है। उनकी पत्नी पूर्णिमा का दावा है कि वह अपना खर्चा पानी नहीं चला पा रही है क्योंकि रघुवीर यादव उन्हें एलिमनी की रकम नहीं दे रहे। वहीं रघुवीर यादव के वकील का दावा है कि पूर्णिमा अधिक पैसे की मांग कर रही है। पूर्णिमा ने एक इंटरव्यू में बताया कि रघुवीर यादव उन्हें पैसा ना देकर परेशान कर रहे हैं। वह उन्हें मेंटेनेंस की रकम नहीं चुका रहे, पिछले वर्ष 5 महीने के पैसे नहीं मिले। इस देरी के चलते वह समय पर भाड़ा नहीं दे पाई और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। अब उन्होंने कर्जा ले लिया है, उन्हें सोना भी गिरवी रखना पड़ा है और वह इस वर्ष उन्हें पिछले 4 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। 2 महीने पहले डेट पर उन्हें 80,000 रुपए मिले थे। रघुवीर यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रघुवीर यादव के वकील शालिनी देवी ने कहा, रघुवीर और पूर्णिमा के बीच की लड़ाई को और खराब करने का कोई अर्थ नहीं है। पूर्णिमा कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रही हैं, अन्यथा मेरे क्लाइंट ने अब तक इसे सेटल कर दिया होता और पूर्णिमा को यह बात समझनी चाहिए। वहीं पूर्णिमा के वकील इशिका तेलानी ने रघुवीर यादव पर आरोप लगाया कि वह अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, इसके बावजूद वह पूर्णिमा को पैसे नहीं दे रहे हैं। वह कहती है, मेरी क्लाइंट को बहुत कठिन जीवन जीना पड़ रहा है, रघुवीर को पैसे देने चाहिए, पूर्णिमा को अपने बेटे, माँ और पिता सभी को देखना होता है। रघुवीर यादव फिल्म अभिनेता हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया है, उनकी फिल्में काफी पसंद की गई हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते रहते हैं जो कि बड़ी तेजी से वायरल होते हैं। तो गाइस, क्या कहना है आपको रघुवीर यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।